कल सुंबुल के पिताजी ने यानी कि तौकीर साहब ने एक आप लाइने कह दो या पोम कह दो, कुछ भी कह दो, कल लिखी थी अपने सोशल मीडिया पे, जहाँ पे उनको फिर कुछ ऐसे कमेंट्स का सामना करना पड़ा कि उनको अपना कमेंट सेक्शन ही ऑफ करना पड़ा। चलिए पहले सुन लेते हैं कि उन्होंने लिखा क्या था। उन्होंने लिखा था, मेरी चुप को मेरी कमजोरी ना समझो जहां वालों, इसे तूफान के पहले की खामोशी भी कहते हैं। सब्र टूटेगा तो न जाने कितने राज फाश होंगे। ये है तहजीब जो हम बेपना ताने सहते हैं। झूठ को चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। सच का दामन जिसने पकड़ा है वो बस खामोश रहते हैं। तौकीर, नीचे उन्होंने लिखा है। तो अब जो फैंस हैं वो इस बात को आप खुद भी समझ रहे होंगे कि कहाँ से रिलेट कर रहे हैं, कि भाई चुप रहने क्या है, मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी ना समझो, उन्होंने ये कहा है, इसे तूफान के पहले की खामोशी कहते हैं। तो भाई लोगों ने ये कहा कि कौन सा तूफान और क्यों खामोश हो आप। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि अंकल जी आप क्यों खामोश हो। फिर उसके आगे जो लाइन है, खामोशी सब्र टूटेगा तो न जाने कितने राज फांस होंगे। फिर कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया, तो अंकल जी आप वो राज बता ही दो सभी को, हम भी जानना चाहते हैं। क्योंकि इस बात को रिलेट किया जा रहा है फमान ताबिश के साथ, जो इन लोग का पंगा हुआ था, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, उसके बाद तौकीर साहब को मतलब सुंबुल के पिताजी को बहुत सारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। फमान ने आके एक क्लियरली अपना पक्ष रखा भी था बाद में कि भाई ऐसी 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 बात है और तो इसीलिए हम साथ नहीं हैं। लेकिन सुंबुल की तरफ से कभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, सुंबुल के फादर की तरफ से कभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। सुंबुल के फादर से जब उन लोगों ने पूछा भी, मीडिया वालों ने पूछा भी कि क्या ये सच है जो फरमान कह रहा है, तो सुंबुल के फादर ने वहाँ पे चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर समझा। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और जो भी डिसीजन है वो सब सुंबुल का डिसीजन है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन लोगों का ये मानना है कि सुंबुल और फरमान के जो रिश्ते में दरार पड़ी, जो प्रॉब्लम्स आई, उन सब का कारण कहीं ना कहीं सुंबुल के फादर हैं। तो ये जो पोट्री उन्होंने लिखी है, तो इसके बाद लोग उनको कमेंट करके ये पूछने लगे कि अंकल बता दो ना क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई बात है तो आप शेयर करो हमारे साथ, हमें भी तो पता चलेगा कि आपका पक्ष क्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तहजीब है। पहले तो उन्होंने कमेंट्स का रिप्लाई किया, हालांकि मैं उसका स्क्रीनशॉट लेना भूल गई। एक्चुअली कल मैं थोड़ी बिजी थी दूसरे कामों में, तो मैं भूल गई स्क्रीनशॉट लेना, नहीं मैं आपको दिखाती। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तहजीब है। और पहले तो उन्होंने अवॉइड करने की कोशिश की जब ऐसे कमेंट्स आने लगे तो, लेकिन फाइनली उनको अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा, क्योंकि कमेंट्स कुछ ज़्यादा ही आ रहे थे कि अंकल जी अगर कोई ऐसी बात है तो आप प्लीज़ शेयर करो हमारे साथ, और अगर आप खामोश हो तो क्यों खामोश हो, क्या प्रॉब्लम है आपको खामोश होने में, जब आप कह भी रहे हो कि अगर सब्र टूटेगा तो बहुत सारे राज फाश होंगे, तो पर्दे फाश करो ना, हम भी देखना चाहते हैं क्या सच है। और तो इस तरीके से बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उसके बाद तौकीर साहब को यानी कि सुमुल के पिताजी को अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ गया। तो ये थी खबर। मैंने कहा, मैंने कल इसको शेयर नहीं किया आप सभी के साथ, क्योंकि कल मैं किसी दूसरे कामों में बिजी थी। तो चलिए अब आप लिखिएगा कि आप क्या समझते हैं इस पोएट्री से, आपका क्या है कहना, आपकी क्या है राय, जो भी आपकी राय होगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।